टोपी टोपी जो मेरी टोपी नहीं मिल रही। अच्छा बासिल सो रहा है। रात में ना थोड़ा बहुत लेटा था ना तो मैं टोपी रख के भूल गया हूँ। बाहर सारे शहरी पे बैठ चुके हैं, मैं चाह रहा हूँ कि भाई टोपी पहन कर ही बैठूं, क्योंकि डमाडस ने भी टोपी लगाई हुई है और मैंने लगाऊं तो ऐसा नामुमकिन है। तो हम पूरे 30 दिन टोपी लगाते हैं। हाथ दूं आपको? नहीं टूटेगा तो कुछ भी नहीं। आराम से आराम से। नहीं इधर से गायब हो गई टोपी भाई। आराम से आराम से आराम। मिल जाए यार, जो कल पहनी थी ब्लैक वाली मिल जाए। बैठ के नीचे क्या करेगी यार? नहीं सो इधर तो कहीं नहीं, लगता किसी ने छुपा दी। तुम लोगों ने मेरी टोपी देखी है? अबे टमाटर, अबे मिल गई मिल गई। अबे टमाटर टोपी नहीं उतारी पूरे 30 दिन, ठीक है? क्योंकि इसने मुझे देख के पहनना शुरू करी और मैंने इसको देख के पहनना शुरू करी। हम दोनों ने एक साथ ही पहनी है। मैं पहले से पहनता था, निकल। अबे तू तो जेल लगाता था। जेल वो भाई तुम जेल लगा दो। जेल तो नहीं लगाया यार, ये खुद ब खुद खड़े हो गया। तुम टोपी नहीं पहनते? पहनता हूँ मैं, नमाज पढ़ते हुए। चलो बैठते भाई। आज खाने में है हमारे पास कबाब शामी और उसके साथ पराठा, फिर रायता भी होगा। रायता तो मस्त है। मना सूखे सूखे गले से कैसे उतरेगा कबाब यार। सो वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। तो सैरी हम लोगों ने कर ली है और साथ साथ हमने लगाया हुआ खाने का। जितने भी बीच में है ना सारे अभी उमरा कर रहे हैं। मेरी चाय है, आप वाली पी लूँ? एक घुट पीऊंगा, ज्यादा नहीं पीऊंगा। ठंडी हो रही है, ये लो मैम। लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया एटीट्यूड बॉय ने भाई। नहीं। दो पराठे खाए? एक पराठा एक में से भी ये छोड़ा है मैंने। ये दूसरे तीसरे में से बचा होगा ये। कितने पराठे खाए होंगे इसने? खा लिए होंगे। एक पूरा नहीं खाया? झूठ अलाउ ही नहीं है। अच्छा सच बोलो? सर पेट फजूल में बाहर आ गया मेरे ख्याल से। मैं नहीं पता ना, मेरी रूटीन जब शुरू होती है जब हम रोजा खोलते हैं उसके बाद से बस मैं स्टार्ट हो जाता। अच्छा उसके बाद से स्टार्ट होते हो? अच्छा फिर आधा खाया होगा। अबे टमाटर तू भी दिखा अपना पेट। अबे तेरा भी बाहर आ गया पेट में। तू भी जब से खा रहा साथ में इसे? नहीं मैं जब से नहीं खा रहा। अभी तूने खाए होंगे दो पराठे? फिर नहीं आधा खाया मैंने भी। अब दोनों ही तुम लोग रमजान में बोल रहे हो झूठ नहीं बोल रहे और दोनों ही बोल रहे आधा पराठा खाया। मैं यहाँ पर एक खा रहा हूँ, मेरा पेट ही नहीं आ रहा, आधा खाकर पेट बाहर आ रहा है। पूरे के पूरे 20 मिनट बचे हैं भाई शरीर खत्म होने में। ओ हेलो, आज नमाज पढ़ के सोना है? कल तो तू सो गई थी, स्कूल जाना था। कल सो गई थी, आज जाना है स्कूल? नहीं। तो फिर नमाज। अजान का वेट करते हैं, यहाँ बैठ गए। बाहर जो है वो फजर होने ही वाली है। देख सकते हैं तोते बिल्कुल शोर नहीं कर रहे। जब हम सुबह सुबह इनके पास आते ना तो ये टें 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 करते हैं। अभी सारे सो रहे। अच्छा ये लोग उठ तो गए कि आंखें तो खुली हैं किन कुछ बोल नहीं रहे। मॉर्निंग के टाइम बोलेंगे। नीचे पिन ड्रॉप साइलेंस है। अबे ताज डॉन भी उठे, अभी बताया था पिन ड्रॉप साइलेंस है और ताज डॉन आ गए। ताज डॉन सो जाओ, नमाज पढ़ोगे? चलो ठीक है ओके। अबे कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे? वजू हो गया तेरा बे। अबे चल नमाज पढ़ के सोइयो, डायरेक्ट नहीं सो जाइयो। ओके जी। तो भाई मॉर्निंग शॉर्निंग नहीं कर रहे भाई, हम उठ गए थे लेकिन हमने व्लॉग व्लॉग नहीं बनाया। हम लेटे रहे एक व्लॉग एडिट किया और घर में चल रहे हैं भाई सारे काम शाम। और आपके भाई ने अभी जोर की नमाज पढ़ ली है, फजर की नमाज हो गई, अब असर की नमाज रह गई। असर की नमाज में कम से कम पौना घंटा है। तमाम आज क्या क्या बन रहा है? आज बन रहा है वही समोसे छोले पकोड़े जो रोज बनता है वो आप बता दो ना। देखो आप डायरेक्ट बताया करो, मैंने आप फिल्मी सब्सक्राइबर को ये बताया कि मॉम डायरेक्ट कुछ भी नहीं बताती। दो दिन बाद जब पूछोगे नहीं जब तक मॉम पूरा बताएंगे। और तुम्हारे लिए सरप्राइज है जो कि मैंने इन लोग को बता दिया है। हम लोग आज रोजा खोलेंगे तुम्हारे घर, मैं और तुम। खुशी बता नहीं जा रही, इस खुशी नहीं निकल रही हूँ। बाकी ना नहीं बाकी बाकी यही तो प्रैंक था। मतलब कि मैंने व्लॉग एडिट स्टार्ट किया है, मैंने सारे काम को करने दो तो फिर मैं उसको एंड बताऊंगा। तो देखो रेडी शेडी कुछ भी नहीं है, असर होने वाली है और घर पे दावत है और कोई तैयारी नहीं है। यही तो सारा मजा है रोजे का। कहाँ से तैयारी करेंगी तुम्हारी अम्मा? एक घंटे में कर लेंगे। खुशी देखो खत्म ही नहीं हो रही कोई चेहरे से। भाई लड़की की खुशी तो भाई मायके की, लड़कियों की खुशी देख रहे हो। बोल दो ना कि मायके में आज जाना है। उफ उफ खुशी तो ऐसी इंतहा की थी। वो तो इसने ध्यान नहीं किया मम्मा पापा थे, वरना अगर मैं इसको अकेले बताता ना तो ये बोलती हो थैंक यू। यहाँ पर भाई शुरू हो चुके अगेन काम भैया की कमरे का। कैसे जा रहे हैं रोजे? पूरे जा रहे हैं रोजे, पूरे रखने वालों के। ओ क्या बात, रखने वालों के। अभी इनकी रोजा खुशाई करनी है ना। और रोजा खुशाई करनी है आपकी? हम लोग रोजा खुशाई के लिए हाजिर है, हम बासिल की कर चुके हैं तो आपकी भी कर देंगे। बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय। आज की शेरी हमारी अफ्तारी बार है और दूध निकाल दी। अरे बासिल रोजा तोड़े तुमने अपना, बाय बाय। तो जैसा बना लेना आके भी खा लूंगा मम्मी। नहीं कहूँ वहीं से खा कर रहा हूँ, पेट खराब हो जाता है। हम बोलते हैं दो जगह नहीं खाना नहीं तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। भाई मैं तो जा रहा हूँ नीचे और सबा और बासिल जो है वो आ जाएंगे। अरे भाई 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 अबे तुम तो चुप हो भाई। बैग ले जाते नीचे हम ताकि सब बासिल को लिया। मर्दम शुमारी वाले आ चुके हैं, मर्दम शुमारी के बाद ही जाएंगे। पापा पापा मर्दम शुमारी वाले आए, वो बोल रहे हैं कि अपने सरबरा को बुला दो। मर्दम शुमारी क्या होती है? मर्दम शुमारी जितने भी आपके घर के अफराद होते हैं ना उनका सारा बायोडाटा लेना पड़ता है और पाकिस्तान के ऑल ओवर द जितने भी लोग हैं जितने भी घर हैं सबका लेना होता है, सिर्फ हमारा नहीं।
तो इससे क्या होता है, इससे पता लगता है कि भाई आपके किस एरिया में, किस इलाके में, किस शहर में कितने लोग आबाद हैं। सुबह पापा करवा रहे हैं काम, हम लोग चलते हैं अब नीचे। फिर तुम्हारा जा रही है? छोड़ने जा रही हूं। अबे तो साथ चल रहे यार, अबे अफ्तारी मेरे साथ कर लियो यार। नहीं ना, क्या हो गया भाई, कुछ प्लान ही नहीं मेरा। नहीं अच्छा, तेरा प्लान नहीं। सुबह असर की अजान भी हो रही है तो हम सफा के घर जाके नमाज पढ़ेंगे। अब खुल जा सिमसिम। अरे चाबी चाबी, थैंक यू, अब खुल जाए। चलो चल, अबे वहाँ से देखा ना फटाफट, चल चल, क्या दिल नहीं कर रहा, चल ले मेरे साथ। बस बस, क्या कर रही है, पोम लगा दोगी अब? सबा का यही काम है, इसको पोम बहुत दिखाती है भाई, तो आके ये रोना। मैं सिर्फ उस टाइम दिखाती हूँ जब हम कहीं जा रहे होते हैं और ये रोने लगता है, मतलब हाँ। संभलता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो बच्चे की आदत खराब होती है, फिर वो पोम पोम बोलता है बस। मैं बिस्मिल्लाह सुनाती हूँ, सुनाती हूँ। हाँ, इसको बिस्मिल्लाह वगैरह सुनाओ, पोम भी सुनाओ। राइट, एक किलो दे दो भाई, लेने हैं अभी मीठे दही बड़े। आ चुके हैं? नहीं बड़े। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, बाइक भाई को से मुझे बड़ा डर लगता है गाड़ी चलाते। अच्छा, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मास भाई आप ये लोगो हटवा के ना अपना MS का लोगो लगवा लो यहाँ। यार ये आइडिया मुझे सब्सक्राइबर का इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, तो मैंने ये लोगो बनने दे दिया है। सो इंशाल्लाह जल्दी ही हम ये लोगो हटवा के ना अपना MS का लोगो लगवाएंगे यहाँ। ये जब लोगो हटेगा तो MS कैसे आएगा? इतना बस वो हम करवा लेंगे ना, ये तो हमें आता है ना काम। यहाँ सभा लिखवा दो। किधर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलते हैं भाई ससुराल। ठीक है भाई, साइड में चलाओ भाई, निकलने दो। राइडर, सॉरी सॉरी सॉरी, रस्सी से जा रहा है। चलो चलो जाओ, जगह जगह जगह, मुझे लगता है जगह नहीं मिलेगी। बैड लक, फुल नीचे आ गए भाई, लेकिन अभी भी पार्किंग नहीं मिल रही। तो भाई गाड़ी जो है इधर बीच में ही लगा दी है और चाबी जो है ऊपर देनी पड़ेगी, तो और जगह पार्किंग मिली ही नहीं तो बीच में लगानी पड़ी। वाओ, मैं थोड़ी लगते है रोजा। कहाँ रखा है इसने रोजा भाई? फ्रिज में, टीवी में। कल से पता है कहाँ रख रहे जरा? सुनो सुनो सुनो, अबे पकड़ पकड़ पकड़, अबे भाग गया, अबे 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 रुक तो। पता है कल रोजा कहाँ रखना? कल आपने रखना है अलमारी में, ठीक है? बच्चा लिफ्ट में मिल गया, हमने पूछा रोजा कहाँ रखा है, बोला फ्रिज में। खुल जा सिम सिम। तीनों बहन भाई बासिल के पीछे 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 पीछे। मुझे पता ही नहीं था, इसको मैं सरप्राइज दिया ना एक घंटा पहले, इसको मैंने बोला था कि मैं इसको खुश करूंगा, क्योंकि मुझे बोल रही थी कि जाना है रोजे के बाद, मैंने बोला रोजे से पहले चले जाते। गाइस यहां तो पतंगे उड़ रही है भाई, चील के साथ साथ एक पतंग ये रही, बाकी सारी चीले हैं। अबे ओ भाई ये देखो कितने करीब करीब से जा रही है। यहाँ पर अगर आप बैठ जाओ ना, रोजा आपका हो तो आपको भाई रोजा नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी प्यारी माशाल्लाह हवा आती है यहाँ पर। जब भी मैं आता हूँ ना जिसी घर पर, तो यहाँ पर आ जाता हूँ। सो भाई नमाज जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पढ़ रहा हूँ बाहर, ताकि मजे मजे की हवा आते रहे असर की। दस मिनट रह गए, लग चुके हैं दस्तरखान। बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है खाला के साथ। वासिल देखो पापा को यहाँ बहुत मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा खाने में, चीले देखने में, तो इसको भी देखो मजा आएगा, देखेगा है। देखो देख रहा है ना, दोनों मजे करा करेंगे। जब आप दोबारा आएंगे ना तो मैं आपको यहाँ पर ले आऊंगा सबसे पहले, ठीक है? बस कितनी बार बताओगी यार मजा दिखता है? पिछली बार भी तुमने यही बताया था, इस बार भी एफिल टावर दिख रहा है, ये कुछ बताओ, नया बताओ कुछ। अरे आपको क्या बताओ, खाओ यहाँ से। आप लोग अपना मायका थोड़ी छोड़ के आते हो, मतलब छोड़ के थोड़ी आते हो आप लोग अपनी अम्मी अबू को, तो हम तो छोड़ के आते हैं, तो हमें जो खुशी होती है ना आने में, आपको क्या ये तो सबके साथ है ये तो। मुझे वो होता है ना कि शुक्र अल्लाह ने अभी फिलहाल मुझे बेटा दिया है, तो बेटी होगी मुझे बहुत दुख होगा। क्या दुख होगा? मतलब वो चली जाएगी और मतलब ये बेटियां सिर्फ, मतलब माँ वाली फील आ रही लगी तुम्हें? हाँ, बेटियां सिर्फ होती इसलिए कि उनको सिर्फ पालना होता, तरबियत देनी होती है, क्योंकि बाद में तो वो घर चले जाती है। ये सारे रो जाएंगे यार, सॉरी यार, ये सब ना ओरिजिनल बातें भी करती कर देती कभी कभार। चलो ना पास, थैंक यू। ओ पकोड़े से नहीं करते, ओ खजूर से करते भाई। हेलो यार, कल मैंने भी पकोड़े से की थी, इतना लाल तो मैं भी नहीं लाया कभी घर में। भाई खाने में है समोसे, पकोड़े, पापड़, दही बड़े, आलू की चाट, बिरयानी, हलीम, फ्रूट चाट, एक और चीज भी है, खीर भी है। खाते हैं और आपको मिलते हैं भाई अफ्तारी के बाद। ये भाई इफ्तारी और अब है भाई नमाज का टाइम मगरिब की। क्या क्लासिकल व्यू आ रहा है भाई, अभी हर घर की लाइट जल रही है। कभी कभार मुझे लगता है द सिटी ऑफ लाइट है, लेकिन कभी कभार फिर जब के इलेक्ट्रिक वाले लाइट बंद करते हैं ना, तो फिर बिल्कुल भी नहीं लगता कि द सिटी ऑफ लाइट है। लेकिन अभी तो भाई रमजानों में बरकत है। तो रोजा खोलने के बाद मास्क की ये हालत होती है घर में, क्योंकि घर में मास्क जल्दी व्लॉग एंड कर देते हैं रोजे के बाद फौरन, तो इसलिए व्लॉग बनता नहीं है। रोजे से पहले सारी एनर्जी होती है, जब जैसे कुछ खाना पीना खा लो ना, उसके बाद तो बस बेड पर पड़ जाओ, सो जाओ। यहाँ पे मैं अपनी नींद पूरी करने आई हूँ, तो बास्किल खेलता रहेगा अपने खालों के साथ और मैं सोती रहूंगी। तो चाय आ चुकी है, तो चाय पीते फिर चलते हैं घर, अभी गर्म हो रही है। अरे भाई मुन्ना, पापा मिलते हैं आपके कल के व्लॉग में, ठीक है? आपको लेने आएंगे कल के व्लॉग में, सही है? बाय बाय।
अभी लेके जाए क्या? अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ साथ ले जाएं। घर के लिए बाय बाय। ओए 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 क्या हो गया भाई? जाओ 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 चलो 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 आ जाओ। कितना शोर हो रहा है बिल्डिंग में। अरे बच्चों ने अफ्तारी की होगी और खेलने कूदने आ गए। जल्दी 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 जल्दी। अरे बस 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 सब आ गए। थैंक यू। बस पहले ये बताओ। देखो नहीं एक बात पे चल उनके साथ दूंगा जो रोजे रखते हैं। रोजा कौन? सब रोजे रखते हो? अब सबके साथ हो गई सब बच्चों के साथ पिचरिया। गाड़ी कहाँ गई? ओए मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी की थी। ओए भाई मेरी गाड़ी कहाँ गई? चाबी तो मेरे पास है यार। गाड़ी। वो देखो चलते गली से घर। और भाई पूछते मेरे सबसे कि भाई इफ्तारी कैसी रही आज की? आज थी भाई तीसरी इफ्तारी और अल्हम्दुलिल्लाह से 3 इफ्तारी हमारी हो गई कंप्लीट। और अब रह गए भाई बस 27 रोजे यार। पता नहीं लगा 3 रोजे कहाँ गए। क्या आपको पता लगा? नहीं पता लगा ना। तो मतलब इस जमाने में ऐसे गुजर रहे महीने और साल के पता नहीं लग रहा। समझ लो कि 2020 अभी था जिसमें कोरोना आया था और 2023 आ गया। मतलब कि बहुत फास्ट जा रहा है भाई आजकल की लाइफ बहुत फास्ट जा रही है। ओए माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली गाड़ी हमारी। अबे सारे बच्चे बाहर भी वेट कर रहे हैं यार। क्या ही प्यार है यार। थैंक यू। क्या बात है भाई क्या बात है यार। मजा आया था बच्चों को देख के इस तरह ना। कमाल के बहुत प्यार करते हो यार सबको। लव यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके जी तो भाई पहुंच गए घर। भाई दिल तो चाह रहा था कि यार रोजा वही खोला और वही सो जाऊं लेकिन नहीं सो सकते यार। कौन सोता ससुराल में यार। खुल जा सिम गेट तो खुला ही छोड़ दिया। ऐसे ही गुजरी मेरे बगैर अफ्तारी मां आपकी। खामोशी के साथ बासिल नहीं था ना। हाँ बासिल नहीं था तो आज उन्होंने बड़े मजे से अफ्तारी की होगी। ऐसे बासिल की वजह से तो रौनक लगी रहती है ना। शोर नहीं था ना बस। हाँ वो शोर नहीं था। क्या क्या खाया? सब कुछ खाया पिया सब उड़ गए। मुझे तो लग रहा था भाई अभी तक बैठे होंगे दस्तखान पे लेकिन उड़ गए। दिन रात टैप रोजे में भी टैप रोजे के बाद भी टैप। ये क्या है कुल्फी भाई? नहीं गले आ जाएंगे। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। सो भाई अब देखना ये कि मॉम ने कब जाना है अपने ससुराल। नानी की जाके कब अफ्तारी करेंगे? तो के मैके मम्मा के मैके। हाँ पापा का ससुराल मम्मा का मैके। सो बस यही देखना अब तो के फिर मजा आता है। देखो अफ्तारी में ये होता है कि आप हर रिश्तेदार के घर पे जा रहे हो तो कभी किसी रिश्तेदार कभी किसी रिश्तेदार किसी मतलब वहाँ पर जाके अफ्तारी करते हो कहीं सहरी करते हो तो मज़ा आ जाता है भाई। और फिर बाहर भी अभी बहुत सारे चक्कर लगने हैं। अभी काफ़ी व्लॉग्स मज़े के पड़े हैं तो आपने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना है। और अगर बेल आइकन नहीं दबाया ना देखो नीचे रेड बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का वो दबा दो। उसके आगे बेल आएगा वो भी दबा दो तो फिर मज़ा याद आएगा। जैसे ही व्लॉग आएगा ना वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन। बड़े मज़े के व्लॉग हैं तो बाय बाय अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ख्याल रखो और मिलते हैं आपको फिर कल वाले व्लॉग में। क्या हो गया? जबरदस्ती दे दिया। अरे पापा मम्मा का पापा खाते ही नहीं है उनके गले आ जाते हैं इनके भी।